सहायक पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी पुलिस लाइन रोहन प्रमोद बोत्रे के नेतृत्व में रविवार को पुलिस लाइन परिसर में श्रमदान का आयोजन किया गया, जिसमें 9 प्रशिक्षित आरक्षियों के साथ एसपी रोहन प्रमोद बोत्रे, प्रतिसार निरीक्षक उमेश कुमार दुबे, उप निरीक्षक पुलिस लाइन रमेश सिंह, आरटीसी प्रभारी हिसामुद्दीन एवं पुलिस लाइन के कर्मचारी सुभाष व आरटीसी के महिला आरक्षी मौजूद रहे। इस अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान के तहत सभी पुलिसकर्मियों ने पूरे मनोयोग से श्रमदान कर पुलिस लाइन परिसर की साफ सफाई की। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एएसपी रोहन प्रमोद बोत्रे ने बताया, झाड़ू मंगवा ले, इकट्ठा करा के माचिस मरवा दे, उसके बाद नगर निगम और उधर बढ़ा, रोड पर मत फेंको और उधर बढ़ा, उधर इसमें चढ़ना मत, है लड़की, इसमें चढ़ना मत, उतर जाने की। बस भाई नए रिक्रूट जो पुलिस लाइंस में आए हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए, उन्हीं के साथ हमने एक स्वच्छ भारत अभियान आज पुलिस लाइंस में हमने ये किया था। उसमें मैं और आरआई साहब और काफ़ी लोग इसमें उन्होंने सभी ने पार्टिसिपेट किया पुलिस लाइंस में से, तो एक अच्छी पहल होती है ये। साफ़ सफाई हमेशा पुलिस लाइंस में कहीं पर भी साफ़ सफाई एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये है, लोगों तक पहुँचने का भी, लोगों को इकट्ठा करने का, श्रमदान का जो जो आइडिया है ये बहुत पहले से चलती आ रही है। लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं इसके माध्यम से? यही संदेश देना चाहते हैं कि डस्टबिन में जो भी आप यूज़ कर रहे हो, रैपर्स है, मैं देखता हूँ कि कार से लोग जाते हैं तो रैपर अपना नीचे डाल देते हैं, गाड़ी से जाते हैं रैपर नीचे डाल देते हैं, जो भी खाने पाने पीने की चीज़ें हैं, आप प्लीज़ जो वेस्ट मटीरियल है उसको आप डस्टबिन में डालें, और यही यही अपने पर्यावरण को स्वच्छता प्रोवाइड करेगा।